आइए ठंडा ठंडा मैंगो मस्तानी बना लेते हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा मिल्कशेक सभी को बहुत अच्छा लगता है, और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टूटी फ्रूटी बादाम विद मैंगो शेक। यहाँ पर मैंने मैंगो को छील करके उसके लंबे लंबे स्लाइस कर लिए हैं। स्लाइस मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट लिए। यहाँ पर मैंने अल्फ्रांसो आम का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने थोड़े से मैंगो के चंक्स काट करके रख लिए हैं। 2 चम्मच इलायची पाउडर ले लिया है, कटे बादाम के कुछ कतरे रख लिए हैं, और साथ में मैंने आधी कटोरी शुगर ले लिए। यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी को स्लाइस काट लिए हैं रंग बिरंगे, ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और अब ये जो मैंने आम के स्लाइस काट करके रखे हुए थे उसके अंदर मैं कुछ आइस क्यूब डाल दे रही हूँ, और ठंडा दूध 1 ग्लास इसमें भर के मैं डाल रही हूँ। ये दूध मैंने फुल क्रीम लिया हुआ है, आप चाहें तो लो फैट दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मिक्सी में डाल करके इसको मैं बिल्कुल स्मूथ कर रही हूँ, बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। इसको आप अच्छी तरीके से चला दीजिएगा, और ये देखिएगा सर्विंग ग्लास में इसको आप डाल दीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया सा ठंडा ठंडा मिल्कशेक मैंगो वाला तैयार हो गया है। और कुछ स्लाइस आप इसको ऊपर से गार्निश कर दीजिएगा। ये चंक्स में मैंगो के डाल रही हूँ गार्निश करने के लिए, और खाते समय भी ये बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसको पी भी सकते हैं और मैंगोज के स्लाइस खा करके एंजॉय कर सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर लेते हैं। भाई मैंगो का मिल्क शेक है तो थोड़ा सा सजाना तो बनता ही है। वैसे भी कहते हैं कि आंखों को दिखने वाली चीज खाने में भी जायका बढ़ा देती है। देखिएगा थोड़ी सी टूटी फ्रूटी की स्लाइस इस तरीके से बारीक काट लीजिएगा और उनको गार्निश कर दीजिएगा। अगर आप घर से जाते समय बादाम के कटे हुए टुकड़े भी डाल दीजिएगा, ये खाने में और देखने में भी कितने प्यारे लग रहे हैं। और साथ में जो मैंने इलायची पाउडर पीस करके रखा हुआ था वो भी इसके ऊपर हल्का सा छिड़क दे रही हूँ। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी बीनी बीनी आ रही है, और खाने का और पीने का मजा दुआला हो जा रहा है। ये देखिएगा है ना ट्विन बन स्लाइस, खा भी सकते हैं और शेक भी सकते हैं। इतना बढ़िया सा ताज़ा तरीन मैंगो मिल्क शेक बनकर के तैयार हो गया है। और हाँ, पीसते समय भी मैंने इलायची पाउडर 1 चम्मच डाल दिया था। और ये देखिएगा सर्विंग डिश में हम इसको रख करके और अब मेहमानों के लिए परोसने की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रॉमिस के सकी सही रहो, आप लोग भी बनाएंगे इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक। अगर आपको मस्तानी मिल्क शेक पसंद है तो आप ज़रूर बना लीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चाहे तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सखी सही, एंजॉय।